हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक डिस्कशन में है आपका लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आपका इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। गाइस, आज का जो हमारे लेक्चर नंबर 4 का प्रॉपर्टीज जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा फॉर प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, या इन फ्यूचर में आने वाले जो बोर्ड एग्जाम होगा, CBSE हो या BSE भी हो, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज से आपका मोर देन क्वेश्चन आता ही है गैस। इसीलिए आप इसे बार्गेलिंग से नहीं छोड़ेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। गैस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के साथ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक में डिस्कशन होगा वो टेन इनवर्स से रिलेटेड होगा, उनके साथ कुछ एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए, उसके टारगेट के लिए भी कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फुल्ली NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। तो सो गाइस, इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का प्रॉपर्टीज नंबर 8। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टीज नंबर 8 में पहला है इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट वन माइनस एक्स इंटू वाई। गाइस, देखिए, ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला होता है आपके पास, जबकि ये फॉर्मूला का कंडीशन है कि इफ एक्स वाई लेस देन वन, यानी एक्स और वाई का रिजल्ट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, गुना के रूप में यानी मल्टीप्लीकेशन के रूप में वन से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए। अगर गैस वन से ये छोटा होता है तो इस फॉर्मूला का यूज होगा आपके पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई का डिफरेंट एंगल है, यानी सेम एंगल नहीं है। जब डिफरेंट एंगल है यानी एक्स और वाई का, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे गैस, कि जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो आप लिख सकते हैं इजीली टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट वन माइनस एक्स इनटू वाई, इफ एक्स वाई लेस देन वन, यानी वन का रिजल्ट एक्स वाई से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए, यानी एक्स वाई का जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, तो वन से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तब उस कंडीशन में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज दूसरा कंडीशन यहां पे लिखा हुआ है कि पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट वन माइनस एक्स इनटू वाई, इस जगह पे कंडीशन कह रहा है गाइस कि एक्स का रिजल्ट भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, y का रिजल्ट भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और साथ साथ इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो भी क्या होनी चाहिए, वन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन आता है तो आपके पास यहाँ पे x और y का रिजल्ट अगर इस तरह की कंडीशन को फॉलो करते हैं तो कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है गाइस। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास तीसरा कंडीशन भी इसमें क्या कह रहा है कि ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए है, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट वन माइनस एक्स इंटू वाई गाइस है। देखिए यहाँ पे कंडीशन इसमें कह रहा है क्या कि एक्स का रिजल्ट जीरो से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, वाई का रिजल्ट भी जीरो से छोटी होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन कह रहा है क्या कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का रिजल्ट क्या होनी चाहिए, वन से बड़ी होनी चाहिए। अब इस जगह पे आपको सोचने वाली बात नहीं है कि एक्स वाई का रिजल्ट अगर जीरो से छोटा है फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वन से बड़ी कैसे हो सकता है गाइस। इसमें यह समझने की बात है कि अगर एक्स का रिजल्ट आपके पास माइनस थ्री है और फिर वाई का रिजल्ट भी आपके पास माइनस टू है, तो आप सोच सकते हैं गाइस कि यहाँ पे देखिए एक्स का रिजल्ट अगर माइनस थ्री है तो जीरो से तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, छोटी होगी। देखो यहाँ पे जीरो का देना, वाई का रिजल्ट अगर माइनस टू है तो वाई से भी छोटी होगी, लेकिन अब जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी माइनस थ्री इंटू जा माइनस टू जब करेंगे तो आप इन दोनों का रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव में 60 आएगा, सिक्स आएगा, पॉजिटिव में क्या आएगा, सिक्स आएगा। जब सिक्स आ रहा है तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि वन से क्या आ रहा है, सिक्स से ग्रेटर देन हो रहा है। तो यही कंडीशन है गाइस। अब इस जगह पे हमने क्या देखा, पॉजिटिव यानी ये टेन इनवर्स एक्स प्लस में देखा। अब चलिए देखिए यहाँ पे उसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे प्लस माइनस में, जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई गाइस लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि आपके पास एक्स और वाई का रिजल्ट जो होगा वो हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए, माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए गाइस। अब
फिर देखिए यहाँ पे दूसरा वही है कि पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट वन प्लस एक्स इंटू वाई हो जाता है। इसका दूसरा ये भी प्रॉपर्टीज होता है। तो जब इसमें कंडीशन कह रहा है कि एक्स का रिजल्ट वन से जीरो से बड़ी होनी चाहिए और वाई का रिजल्ट जीरो से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन माइनस वन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस तरह के आपके पास एंगल का फॉलो करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स और वाई, इस चीज़ को जरूर फॉलो करते हुए इस फॉर्मूला का क्या करेंगे गैस फॉलो करेंगे। उसके बाद आपके पास जैसे कि दिया हुआ है नेक्स्ट इसके लिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए कंडीशन है पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट वन प्लस एक्स इंटू वाई होता है गैस। इसमें कंडीशन क्या होता है कि एक्स क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए जीरो से, वाई लेकिन बड़ी होनी चाहिए। इससे जस्ट ऑपोजिट होता है कि यहाँ पे एक्स क्या था आपका जीरो से बड़ी थी और फिर यहाँ पे वाई छोटी, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि एक्स छोटी हो जाती है वाई बड़ी हो जाती है। तो इस जगह पे क्या होता है कि एक्स वाई का रिजल्ट क्या होनी चाहिए माइनस वन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस तरह का कंडीशन फॉलो होता है तो आप इस तरह का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अक्सर जैसे एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे उस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपके पास ये मोर देन ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूला है यही दोनों का अक्सर यूज होगा। रेयर केस में आपके पास इस चीज़ का यूज होता है, एनसीईआरटी का बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक चीज़ कंडीशन है। और अदर कम्पिटिटिव में जाओगे तो इस तरह की फॉर्मूला का यूज होता है। सो गैस आप सारे फॉर्मूला को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अगर मैथ को इजीली यानी आपको उसको म्यूजिकली अगर समझना चाहते हैं गैस, तो आपके पास पावर ऑफ फॉर्मूला होनी चाहिए। अगर आपके पास पावर है फॉर्मूला का तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको बस चंद सेकंड लगता है, चाहे वो कम्पिटिटिव का एग्जाम ले लो, चाहे बीएससी चाहे सीबीएसई यानी कोई भी बोर्ड के एग्जाम ले लो या अदर कंपटीशन का ले लो गैस। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, जब फॉर्मूला बता पावर लाना होगा फॉर्मूला का। अगर आपके पास फॉर्मूला का पावर है तो कोई भी मैथ आपके लिए ईजी लगेगा, यानी कोई भी मैथ आपके लिए हार्ड नहीं लगेगा, सब मैथ आपको ईजी लगेगा, लेकिन आपके पास होनी चाहिए फॉर्मूला की पावर। तो सो गैस ये था आपके पास टाइप्स नंबर 8 का फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इन एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में गैस। तो चलिए देखिए इनमें से एक प्रूफ देख लेते हैं और अदरवाइज जो रेस्ट बचेगा वो खुद से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे गैस, और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में आपने पढ़ा, उसी तरह से आपने टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में आपने पढ़ा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में भी आप इसी तरह का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में भी इसी तरह का सब फॉर्मूला पढ़ेंगे गैस। यानी उसके फॉर्मूला अलग होगा लेकिन फंड जो है इन दोनों का, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई यहाँ पे भी है, तो इसी तरह का फॉर्मूला पढ़ेंगे गैस। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे गैस, और उसी तरह से आपके पास कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इस तरह के भी फॉर्मूला आप क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज आप 8 नंबर में देखा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत हेल्प करता है। उसी तरह से आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को भी समझने की कोशिश करेंगे, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को भी समझने की कोशिश करेंगे। सेम प्रोसेस से आप इसको भी समझ सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई हो जाएगा गाइस। तो अब फिर आपके पास रेस्ट जो बच जाता है साइन कोस टेन में तो आप स्टडी कर लेंगे, लेकिन आपके पास कोट और सेक और कोसेक में आपके पास फॉर्मूला नहीं होता है। इस टाइप के फॉर्मूला इसीलिए नहीं हो जाता है क्योंकि आप जानते ही है कि जितने भी आपके पास टेन का अपोजिट में अगर उसके कन्वर्जन में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, कोट मिल जाएगा। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, इस चीज़ को कोट को टेन में चेंज करके आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं प्रूफ के साथ। यहाँ पे गैस हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट इसका प्रूफ, जैसे आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, इसका प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। प्रूफ में आपके पास क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट वन माइनस एक्स इंटू वाई आनी चाहिए। चलिए देखिए सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे,
प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेट मान लेंगे इन दोनों को। देखिए यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, जैसे पहला में साइन इनवर्स एक्स है तो दूसरा में क्या है टेन इनवर्स वाई है, सॉरी पहला में टेन इनवर्स एक्स है तो दूसरा में क्या है टेन इनवर्स वाई है। तो इसको क्या करेंगे मानेंगे, जैसे लेट है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे गैस माइन मान लिया थीटा मान लिया, क्या मान लिया आपने थीटा, या आप इजीली समझना है तो ये भी मान लेते ये मान लिया। तो देन इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू टेन थी टेन ये हो जाएगा, ये ट्राइगोनोमेट्री में बदल जाएगा। एंड उसी तरह से आप क्या करेंगे सेम फिर मान लेंगे टेन टेन इनवर्स वाई इक्वल टू गाइस मान लेंगे आपने बी, तो इसीलिए सो वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन भी हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा टेन भी हो जाएगा। और फिर आपके पास ये फॉर्मूला मालूम है वी हैव टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है गाइस टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, क्या होता है गाइस टेन ए इंटू टेन बी हो जाता है आपके पास। ये फॉर्मूला आपको पहले से ही मालूम है। और फिर देखिए यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि एक्स और वाई का रिजल्ट क्या होनी चाहिए वन से छोटी होनी चाहिए, क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके पास इतना फॉर्मूला आप पहले से ही जानते थे टेन ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आपने जानता था टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। जैसे कि आप इस जगह पे आपको समझना है कि एक्स का ना टेन एक्स टेन ए का रिजल्ट आपके पास x है और टेन b का रिजल्ट आपके पास y है। तो देखिए गाइस यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई और बटे में लिख देंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख देंगे। अब इस जगह पे टेन इनवर्स x है तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जब जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको इजीली इनवर्स में बदल दीजिए तो आपके पास ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब इस जगह पे आप समझ लीजिए कि जैसे ये और बी का रिजल्ट आपके पास मालूम है आपने माना था, जैसे देखिए यहाँ पे ये इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है और वाई बी इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है। अब इन्हीं चीज़ का वैल्यू इस जगह पे क्या करेंगे ला के पुट कर देंगे आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस देखिए गाइस यहाँ पे क्या है टेन ए का रिजल्ट आपके पास टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स डाल दिया आपने। और चलिए देखिए यहाँ पे बी का रिजल्ट आपके पास क्या है टेन इनवर्स वाई है तो आप इस जगह पे क्या डाल दिया टेन इनवर्स वाई डाल दिया गाइस, इक्वल टू में आपके पास आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई हो गया। इसी तरह से इसका क्या आ गया प्रूफ आ गया। इस तरह से इसका क्या समझ लिया गाइस प्रूफ समझ लीजिए। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे राइट डाउन करने के साथ रिवाइजिंग जरूर करते रहेंगे गाइस। अगर आप इस मैथ को रिवाइजिंग करते हैं तो आपके लिए मैथ खिलौना बन जाएगा। सबसे पहली बात यही होता है गाइस कि आप कहीं पे भी किसी से भी क्वेश्चन राइज करेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट आप कहते हैं तो वो आप अगर वो मैथमेटिक्स के अच्छे जानकारी है या मैथमेटिक्स को वो ईजी समझते हैं तो वो आपको यही सजेशन देंगे कि बेटा मैथ बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बट आपका रिवाइजिंग पर डिपेंड करता है। आप जैसा प्रैक्टिस करोगे वैसा आपके पास मैथ का पावर रहेगा गाइस, इसीलिए मैथमेटिक्स जो है ना वो आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास पावर रहेगा मैथ का। तो सो गाइस आप जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस इस प्रॉपर्टीज से आप हम लोग क्या करेंगे कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो आपके पास है प्रूफ दैट लिखा हुआ टेन इनवर्स 3 बटे 4 प्लस टेन इनवर्स 3 बटे 5 इक्वल टू टेन इनवर्स 27 बाई 11। इस चीज़ को क्या करना है लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड आपको प्रूफ करना है गाइस। चलिए बहुत ही इजीली प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें लेफ्ट हैंड में लिख लेंगे आपके पास जो है वो है आपके पास टेन इनवर्स 3 बटे क्या है 4 है और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या टेन इनवर्स 3 बटे क्या हो जाएगा इस 5 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये कंडीशन था और आपने कहा था कि एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन वन यानी एक्स वाई का रिजल्ट क्या होना चाहिए वन से छोटी होनी चाहिए। तो आप इस जगह पे आप देख रहे हैं कि 3/5 है यहाँ पे 3/4 है, गुना करके देख लेते हैं कि 3/5 और 3/4 को गुना करके देख लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/20 आ जाता है
तो इसका मतलब वन से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो चलिए गाइस इसको क्या करेंगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स थ्री बटे फोर प्लस क्या हो जाएगा थ्री बटे फाइव अब बाई वन माइनस थ्री बटे फोर इंटू क्या हो जाएगा थ्री बटे फाइव हो जाएगा। तो चले गए आप क्या करेंगे, ऊपर से आप क्या करेंगे एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो टेन इनवर्स आपके पास एलसीएम आएगा, फोर फोर फाइव या ट्वेंटी आ जाएगा आपके पास जैसे फोर, और फिर इस ट्वेंटी को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइव आ जाएगा। तो पाँच फाइव थ्री या फिफ्टीन हो जाएगा, इस जगह फोर थ्री या क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। और फिर बटे में आपके पास इन दोनों के क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा इस वन है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 20 और फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा। इस ये 20 और 20 इजीली क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया, 20 इजीली कैंसिल हो गया। तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे एडिंग करेंगे, तो दोनों को एडिंग करते हैं तो आपके पास कितना आता है गैस 10 इनवर्स 27 आ जाता है। और फिर इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाता है गैस 11 आ जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि राइट हैंड हमारा क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। तो आपके पास ये हो गया फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस। तो चलिए गैस अब हमारे पास दूसरा नंबर का एग्जांपल में ये है कि प्रॉपर्टीज़ में कह रहा है कि 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 इक्वल टू पाई प्रूव करना है। तो चलिए गैस आपने जैसे 10 इनवर्स इससे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देख लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो में डाल देंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके पास सारे प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। और फिर यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपका अगर कोई भी इनवर्स ट्रायकोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर स्टैंडर्ड एंगल आ जाता है, क्या आ जाता है गाइस स्टैंडर्ड एंगल आ जाता है, तो उस जगह पे उसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहां पे क्या करना है प्रूव करने के 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 इक्वल टू के पाई प्रूव करना है, लेकिन इस जगह पे आपके पास देख रहे हैं कि ये 10 इनवर्स जो 1 है ये आपका स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 इनवर्स 1 का रिजल्ट होता है पाई बाय 4। तो सो गाइस इस 10 इनवर्स 1 का रिजल्ट अगर पाई बाय 4 डाल देते हैं तो आपको और इजी तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो एट फर्स्ट आप क्या करेंगे इस चीज को यानी 10 इनवर्स 1 को आप राइट हैंड में लेके चले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 हो जाएगा गैस, और इक्वल टू में आपके पास पाई माइनस 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 इक्वल टू पाई माइनस इनका रिजल्ट 10 इनवर्स 1 का रिजल्ट पाई बाई 4 होता है तो पाई बाई 4 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 हो जाएगा इक्वल टू इन दोनों में रिजल्ट अगर निकालेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आपको इस लेफ्ट हैंड को प्रूव्ड करके 3 पाई बाई 4 अगर ला देते हैं तो आपके पास 100% प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आप ले लेते हैं कि 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 हो जाएगा ऑफ 10 इनवर्स 3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए गाइस आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको समझ लेते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है x 10 इनवर्स 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y होता है। और यहाँ पे और एक फॉर्मूला में आपने पढ़ा था पाई प्लस भी होता है, क्या होता है पाई प्लस, लेकिन इस जगह पे कंडीशन होता है कि x y का रिजल्ट क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप इस जगह पे देख लेते हैं कि यहाँ पे x का रिजल्ट आपके पास 2 है, y का रिजल्ट 3 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन को समझ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 अगर करते हैं तो ये 1 से ऑलरेडी बड़ी हो जाती है, यानी किस से बड़ा है किस से 1 से बड़ा है। तो आप इस जगह पे आप क्या लगाएंगे ये पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स x के प्लस पे 2 है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर बटे में 1 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास इस जगह पे क्या आ रहा है पाई प्लस 10 इनवर्स इन दोनों को एडिंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को डिफरेंट करोगे यानी 3 2 6 माइनस 1 कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा गाइस। अब देखो इसको काटोगे तो क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, क्या रहा है माइनस 1 आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे 10 इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 को आप इजीली लिख सकते हैं
पाई माइनस यहाँ पे टे वन को अगर माइनस यानी एंगल से माइनस को फ्री करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, वन। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि टेन इनवर्स वन का रिजल्ट पाई बाई फोर होता है, तो पाई माइनस पाई बाई फोर करेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो थ्री पाई बटे फोर गाइज। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी थ्री पाई बटे फोर राइट हैंड में प्रूव करना था, आपके पास ईजिली आ गया राइट हैंड में थ्री पाई बटे फोर। इस तरह से आपके पास क्या हो गया गाइज, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगर आप सेकेंड मेथड से चाहो कि बोलोगे कि सर मैं ये नहीं लेके जाऊंगा, डायरेक्ट प्रूव करना चाहूं, तो आप दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, इनका जो रिजल्ट आएगी फिर इन दोनों में क्या करेंगे आप फार्मूला का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपके पास पाई प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपका इजी प्रोसेस क्या होता है, यही प्रोसेस ईजी होता है। सो गाइस, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, आई होप आप 100% समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 5 में इनके अदरवाइज जो रेस्ट प्रॉपर्टीज बचा उन प्रॉपर्टीज से डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उनके प्रूफ के साथ कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो क्लास होती है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होती है गाइस, अदर कॉम्पिटिटिव के रिलेटेड भी क्या बताया जाता है आपके पास क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड फार्मूला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।